हाँ, तो हम बता रहे थे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि डेट और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक डिपेंड अपॉन डेट एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड सैप्रोफाइट्स सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिक्स होते हैं जो कि सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिक्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं डेट और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे। इनके एग्जाम्पल होते हैं मशरूम, यीस्ट, ब्रेड माउंड। ये हमारे सैप्रोफाइट कहलाते हैं। दीज आर द सैप्रोफाइट्स एंड द न्यूट्रिशन दे हैव इट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हाँ, सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन क्या कहेंगे हम? न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्रॉन देयर फूड ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से हाँ अपना फूड लेते हैं विदाउट किलिंग इट और प्रोवाइडिंग नो प्रॉफिट टू इट। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्रॉन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम और एंड हाँ आर कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू नॉट प्रोवाइड एनी प्रॉफिट टू डेट ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो इस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन सब कर रहे हैं ले रहे हैं उससे कोई प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करते। हाँ, उससे पहले हम बता दें पैरासाइट्स। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म डेट ड्रॉ देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉफिट टू डेट ऑर्गेनिज्म डेट उस ऑर्गेनिज्म को बिना कोई प्रॉफिट दिए। एंड नेक्स्ट इज होस्ट। होस्ट होस्ट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ड्रोन देयर फूड होस्ट
वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे पैरासाइट अपना खाना लेते हैं। तो समझिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसे बिना मारे और उससे बिना कोई प्रॉफिट दिए। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है और न्यूट्रिशन के अंदर जो पैरासिटिक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उन्हें कोई प्रॉफिट पहुंचाए हमारे। और होस्ट जिससे वो पैरासाइट अपना खाना ले रहे हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास रहते हैं, एग्जाम्पल अमर बेल, मॉस्किटो, राउंड इटीसी। और अमर बेल हो गया, मॉस्किटो हो गया, राउंड बॉम हो गई एंड मेनी ऑफ ये ऑर्गेनिक जो होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं या हम किसी प्लांट के ऊपर लाइक करते हैं और उसके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं और उस एक कोई प्रॉफिट नहीं पहुंचाते। और कई कंडीशन में वो तब तक उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं जब तक कि उसे किल नहीं कर देते। हाँ बस। एंड थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव इज होलोजेनिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक अ सॉलिड फूड। वो न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉलिड फूड इनटेक करते हैं। दे इनटेक सॉलिड फूड कंपोनेंट एंड ब्रेक डाउन इंटू एंड ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पीसेस सिंपली डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज इट बाई अब्जॉर्बिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। तो होलोजेनिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉलिड फूड खाते हैं, सॉलिड फूड को फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद में उसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को सेंड कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन बेच न्यूट्रिशन इन बीच ऑर्गेनिज्म एक सॉलिड फूड। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड इनटेक करते हैं। न्यूट्रिशन इन बीच ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड डाइजेस्टेड स्टेट वाई ब्रेकिंग इंटू स्मॉल पीस एंड प्रोवाइडेड टू होल बॉडी बाई द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन बाई द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड इनटेक करते हैं और सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस एंड प्रोवाइडेड
प्रोवाइड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी, वेयर इट इज यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी। यहां पर सेल के पास उसमें से एनर्जी रिलीज की जाती है। तो होलोजेनिक न्यूट्रिशन ये होते हैं। होलोजेनिक न्यूट्रिशन जो होते हैं तीन कैटेगरी होती हैं इनकी। होलोजेनिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, डेट आर हरिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो देखते हैं हम इनको भी। हरिवोर्स हरिवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑर्गेनिज्म डेट ईट प्लांट ओनली, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट को ईट करते हैं, केवल प्लांट को खाते हैं, उन्हें हम हरिवोर्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो ऑर्गेनिज्म्स डेट ऑर्गेनिज्म डेट ईट प्लांट ओनली, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट को ईट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हरिवोर्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गॉट, सी एसेट्रा, ये हमारे हरिवोर्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दूसरे कार्निवोर्स एनिमल, कार्निवोर्स कार्निवोर्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को के फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कार्निवोर्स एनिमल कहते हैं। तो कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म्स दैट ईट अदर दैट इज अदर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कार्निवोर एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल लॉइन, टाइगर, ऐसे लॉइन एंड टाइगर जो होते हैं हमारे कार्निवोर एनिमल कैटेगरी में आते हैं। नोट डाउन। हाँ, थर्ड टाइप होता है हमारा ओमनिवोर्स। हम ओमनिवोर्स क्या लिखते हैं? हाँ, तो ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्लांट एंड एनिमल बोथ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट कर सकें, उन्हें हम ओमनिवोर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनके एग्जांपल रहते हैं मैन होते हैं, हम ह्यूमन जो होते हैं वो ओमनिवोर कैटेगरी में आते हैं, कैट, डॉग एक्सेट्रा, ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हमने सीखा फूड के बारे में। आज हमने कटे जाना एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज नेसेसरी टू गेट एनर्जी। फूड जो होता है वो एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है जो कि रिक्वायर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, इन सब के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए रिक्वायर करते हैं।
न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हाँ, न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं फॉर डिफरेंट बायोसिंथेसिस प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन जो होती है वो प्रोसेस होती है जिसमें हम खाने को इंटेक करते हैं और इंटेक करने के साथ साथ उसे यूटिलाइज भी करते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन विच ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाने में कैपेबल होते हैं बाई यूजिंग द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इसके जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और ब्लू विंग एल्ग। इसके अलावा दूसरे टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी आती है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाने में कैपेबल नहीं होते हैं, असल में वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से टेकआउट करते हैं, लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरीके होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड और डिकेइंग कंपोनेंट में लाइक करते हैं, डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। तो सड़ी गली चीज़ों पर रोटीन लीव्स, रोटीन डेड ऑर्गेनिज्म एंड मैनी ऑफ द थिंग्स इन पर डिपेंड करते हैं, जैसे मशरूम, ब्रेड, माउंड, डीस्ट एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं डेड एंड डिकिंग कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन टेकआउट करते हैं बिना उसे कोई प्रॉफिट पहुंचाए। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे पैरासाइट अपना खाना लेते हैं। अमरवे, मॉस्किटो, राउंडवॉर्म एक्सेट्रा, दीज आर सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन दैट टेक सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट बाय प्रोसेस ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस। वो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड उस प्रोसेस की मदद से फिर उसे जो डाइजेस्ट फूड होता है उसे अब्जॉर्ब किया जाता है और अब्जॉर्ब करने के बाद में उसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर, अलग अलग बॉडी की जगहों पर उसे पहुंचाया जाता है और उसमें से फिर हम एनर्जी रिलीज करके अपने डेली पर्पस ऑफ लाइफ के लिए यूज उसे करते हैं। हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन तीन प्रकार की होती हैं। हरिवोर्स, पहला हरिवोर्स। हरिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल प्लांट्स को ईट करते हैं। ऑर्गेनिज्म डेट ईट्स प्लांट ओनली आर कॉल्ड हरिवोर्स ऑर्गेनिजम्स। हरिवोर्स ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारी बफेलो, काउ, गॉट, सीप, ये सब आती हैं। कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कार्निवोर्स एनिमल, जैसे लायन, टाइगर एक्सेट्रा। एंड थर्ड ओमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म। ओमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को ईट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में लाते हैं।